फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम में बात करेंगे एनी बेस टू एनी बेस कन्वर्जन की। यहाँ पे कोई आपका प्रीडिफाइंड बेस नहीं होगा, जैसा कि बाइनरी नंबर सिस्टम था जिसका बेस 2 था, ऑक्टल नंबर सिस्टम था जिसका बेस 8 था, हेक्साडेसिमल नंबर था जिसका बेस 16 था, या फिर डेसिमल नंबर, ये जो प्रीडिफाइंड बेस थे इनसे अलग अगर कोई अदर बेस में आ जाए तो उस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे, कैसे आप कन्वर्ट करोगे, तो उसी साइड हम चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एनी बेस टू एनी बेस कन्वर्जन होता क्या है। सपोज कोई भी आपका डेटा दिया हुआ है किसी बेस एक्स में और इसको कन्वर्ट करने के लिए पूछ लिया बेस वाई में, मतलब यहाँ पे एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं, उसका कुछ भी बेस हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि मुझे कन्वर्ट करना है 23 बेस 4 में दिया हुआ है, इसको बनाना है बेस 3 में, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। या तो फिर दूसरे एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, जैसे सपोज करो कि 1, 2, 3 ये बेस दिया है 5 में, इसको बनाना है बेस 7 में, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। ध्यान दीजिए कि इसमें भी आपको जो सॉल्व करने का तरीका है, यहाँ पे हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, मीन्स 4 से 3 डायरेक्टली नहीं कर सकते या 5 to 7 डायरेक्टली हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे एक स्टेप कौन सा लेंगे, सबसे पहले जो भी आपको बेस में दिया गया हो, किसी भी बेस में दिया होगा, इसको हम बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर इसी बेस 10 से हम क्या बना लेंगे बेस 3 में। मतलब कि आपको सबसे पहले एज ए उसको डेसिमल बनाना पड़ेगा और डेसिमल को हम फिर किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर इसी एग्जांपल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले 23 जो बेस 4 में दिया हुआ है इसका बेस 10 में कैसे बनेगा। ध्यान दीजिए हम इससे जैसे बाइनरी डेसिमल कन्वर्ट करते थे या ऑक्टल डेसिमल कन्वर्ट करते थे, प्रोसेस वही होगा आपका। लिखेंगे 3 × 4 × 0, क्योंकि बेस 4 है, यहाँ पे पहला एलिमेंट कौन सा है, पहला 3 है, 3 × 4 × 0, सेकेंड कौन सा है 2, तो +2 × 4 × 1, इसी को हम सॉल्व करेंगे, यही आपका किस में हो जाएगा बेस 10 में। जैसे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 2 × 4 × 1 + 8 + 3 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 11 आ जाएगा बेस 10 में। अब इसी जो 11 बेस 10 में आ गया, इसी को मुझे कन्वर्ट करना है बेस 3 में, तो हम कैसे करेंगे 11 / बेस 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार आ जाएगा, यहाँ पे 3 times और रिमाइंडर आपका बच जाएगा 2, अगेन 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 0, अगेन अगर हम 3 से करेंगे तो यहाँ पे 0 और रिमाइंडर 1, मतलब रिजल्ट अगर हम देखें बॉटम टू अप चलेंगे तो 102, तो रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा 102, यही आ जाएगा बेस 3 में। इसी तरह से अगर हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम इसको बना लेंगे बेस 10 में और फिर बेस 10 से कन्वर्ट कर देंगे किस में, बेस 7 में, तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3 का अगर बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 5 × 0 + 2 × 5 × 1 + 1 × 5 × 2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 25 + 10 + 3 = 38 आ जाएगा बेस 10 में। अब इसी 38 को जो बेस 10 में आ गया, इसको हम कन्वर्ट करेंगे बेस 7 में, तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा 38 / 7, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ जाएगा 3, अगेन 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 टाइम्स और रिमाइंडर आ जाएगा आपका 5। अगर हम इसको बॉटम टू अप डायरेक्शन में देखें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 5, 3, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 5, 3, यही आपका किस में हो जाएगा बेस 7 में। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है एग्जाम में तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं छोटा सा, जैसे 45 बेस 6 में दिया हुआ है, इसको बनाना है बेस 3 में। ध्यान दीजिए बेस के कंसेप्ट से आपको ये भी पता होगा कि जब भी हम बेस लिखते हैं तो जैसे यहाँ बेस 6 है तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो हमेशा 6 से छोटे ही होंगे, यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होगा कि 6 के इक्वल या 6 से ग्रेटर होंगे, हर बेस के कंसेप्ट में ऐसा होता है। जैसे डेसिमल केस में 10 बेस होता है तो सारे डिजिट जो होंगे
टेन से लेस ही रहेंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, कोई बेस दिया होगा उसमें उसके अंदर जो डिजिट होंगे उसके एलिमेंट के वो सारे उससे छोटे होंगे, छोटे ही होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेस सिक्स में आपको दे रखा है, इसको बनाना है बेस थ्री में। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बेस टेन बनाएंगे, बेस टेन से हम बेस थ्री में कन्वर्ट कर लेंगे। बेस टेन क्या हो जाएगा इसका, फाइव मल्टीप्लाई बाई सिक्स पावर जीरो प्लस फोर मल्टीप्लाई बाई सिक्स पावर वन इक्वल टू 24 प्लस 5 मीन्स 29। अब 29 आपका आ गया किस में, बेस 10 में। जब बेस 10 में 29 आ गया, इसी को हम कन्वर्ट करेंगे बेस 3 में। तो बेस 3 में रिजल्ट कैसे आ जाएगा, 29 डिवाइड बाय 3, 9 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। अगेन 3 से करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 टाइम्स और रिमाइंडर आ जाएगा 1। अगर इसी को हम बॉटम टू अप डायरेक्शन में लेंगे तो आ जाएगा 1002। तो 1002 यही आपका बेस 3 में रिजल्ट आ जाएगा। तो होपफुली आपको एनी बेस टू एनी बेस कन्वर्जन इजीली समझ में आ गया होगा। इससे आप किसी भी बेस का किसी बेस में कन्वर्जन कर सकते हैं, एक तरह से आपका मास्टर मेथड है जो किसी भी बेसिक कन्वर्जन को आपको सॉल्व करके रिजल्ट देता है। तो आज का लेक्चर बस इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम बात करते हैं बाइनरी अरिथमेटिक की, जिसमें हम बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन और बाइनरी डिविजन की बात करेंगे। धन्यवाद।